रॉयल रंबल WWE का एक इवेंट होता है जहाँ पे सबसे ज्यादा हाइप होती है रिटर्न्स की, और उसके बाद आती है फिर रेसलमेनिया। रेसलमेनिया ग्रैंड स्टेज ऑफ द मॉल है, WWE का सबसे बड़ा इवेंट, तो ऑब्वियसली हर कोई यहाँ पे भी रिटर्न्स एक्सपेक्ट करता है कि हमें बड़े बड़े सुपरस्टार्स फीचर होते हुए देखेंगे इस इवेंट पे। और रेसलमेनिया 40 बस अब कुछ ही दिनों दूर है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको बताया जाए 10 ऐसे WWE सुपरस्टार्स जिनके की रिटर्न्स के रूमर्स करंटली सामने आ रहे हैं जब रेसलमेनिया इतनी ज्यादा पास आ चुकी है। फालतू टाइम में वेस्ट करते हैं, स्टार्ट करता हूं मैं नंबर 10 सुपरस्टार पे, जिसपे की एक नहीं बल्कि दो सुपरस्टार्स हैं, एंड दे आर None other than one of the most popular tag teams, the Hardy Boys. यार Hardy Boys already WrestleMania moment हमें दे चुके हैं। Obviously WrestleMania 33 की मैं बात कर रहा हूँ, जब उन्होंने shockingly अपना return किया था। और return क्या किया था? Even tag team ladder match में वो involved हुए थे और जीत भी गए थे उस match को। और tag team ladder match तो इस साल भी होने वाला है WrestleMania 40 में। I know chances थोड़े कम है क्योंकि already 6 teams announced है यार उस match के लिए। मतलब total 12 बंदे तो वैसे ही भरे होंगे ring में। 13वीं team WWE क्यों ही add करेगी? लेकिन recently यार Matt Hardy WWE रॉक एपिसोड पे देखने को मिले थे, जहां से कि फैंस को लगने लगा कि यार शायद हार्डी बॉयज अपने रिटर्न कर भी सकते हैं, और काफी सारे रूमर स्पेकुलेट होने लग गए इसके अराउंड। तो क्या पता हार्डी बॉयज रेडी हो हमें एक और रेसलमेनिया मोमेंट देने के लिए, क्योंकि लैडर मैचेस की जब बात आती है तो फिर हार्डी बॉयज का नाम तो वहां आना ही आना है। बस एक चीज ध्यान देने वाली है, क्योंकि अभी ये दो टैग टीम चैंपियनशिप्स की बात हो रही है, यानी कि टोटल 4 बेल्ट्स, जैसे कि शायद एक टीम ले सकती है तो दूसरी टीम भी तो कोई ना कोई जीतेगी। हां वो अलग बात है कि WWE टैग टीम चैंपियनशिप्स को कंबाइन ही कर दे रेसलमेनिया 40 में जाके, या क्या पता स्प्लिट भी कर सकते हैं न्यू टाइटल्स के साथ। चलो वो तो बाद की बात है, देख के पता चलेगा। फिलहाल चलते हैं अपने नेक्स्ट सुपरस्टार की तरफ, जो कि है द इमॉर्टल हल्क होगन। देखो हल्क होगन तो अपना रॉयल रंबल रिटर्न टीज कर रहे थे इतने टाइम से कि भाई मैं आ सकता हूं। अब देखो मुझे लग ही रहा था कि वहां पे तो वो काई आएंगे, बट रेसलमेनिया एक ऐसा स्टेज है जहां पे कि वो डेफिनेटली आ सकते हैं। रेसलमेनिया 37 में उन्होंने होस्ट किया था रेसलमेनिया को, और भी पिछली काफी रेसलमेनियाज के पार्ट रह चुके हैं हल्क होगन। हां आज के टाइम पे आपको हल्क की इतनी कदर नहीं होगी मुझे पता है, मुझे भी नहीं, क्योंकि यार रेसलमेनिया 1 से लेके 9 तक उन्होंने जितनी 8-8 मेन इवेंट किए हैं हमने तो देखी नहीं, तो हमें तो क्या ही पता है। हाँ बस इतना पता है कि वो फर्स्ट फेस ऑफ द कंपनी थे, तो हाँ इंपॉर्टेंट बंदे तो हैं ये, और अब खुद ही टीज किए जा रहे हैं बार बार, तो फिर रूमर्स तो ऑब्वियसली स्पेकुलेट होंगे उनके रेसलमेनिया 40 के रिटर्न के लिए। फिर अब इनसे नेक्स्ट सुपरस्टार की तरफ मैं चलता हूं। ऑन नंबर 8 ही इज डस्टिन रोड्स, आल्सो नोन एज गोल्डस्ट, जो कि हमें पता है कि कोडी रोड्स के सगे भाई हैं। अब देखो कोडी रोड्स के प्रोफेशनल रेसलिंग करियर का ये सबसे बड़ा मैच होने वाला है रेसलमेनिया 40 में, जब वो रोमन रेंस के अगेंस्ट जाएंगे फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप फॉर द सेकंड टाइम। और इस बार बड़ी बात ये है कि भाई उनके अगेंस्ट सिर्फ रोमन नहीं है बल्कि पूरी की पूरी ब्लड लाइन है, जिसमें कि द रॉक भी इन्वॉल्व है। तो काफी हद तक पॉसिबल है कि यार कोडी रोड्स की हेल्प करने के लिए वहां पे उनके रियल लाइफ भाई गोल्डस्ट आ भी सकते हैं। तो सेंस तो बनाती चीज, अगर होता है तो इंटरेस्टिंग रहेगा काफी देखना, मैं तो अप रहूंगा यार इस चीज के लिए। बाकी इससे नेक्स्ट सुपरस्टार की तरफ मैं चलता हूं, ही इज नन अदर देन मिस्टर हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट जॉन सीना। जॉन सीना कुछ महीने पहले WWE में एक अच्छा खासा रन देके गए हैं। हां हार गए थे लास्ट में, उसका दर्द होता अभी भी दिल में थोड़ा थोड़ा, लेकिन क्या कर सकते हैं, बट अभी वो वापस आ सकते हैं। आपने देखा ही होगा जब द रॉक और कोडी रोड्स का सेगमेंट चल रहा था, जिसमें कि रॉक ने काफी धोया था कोडी को, उसके पीछे प्रोडक्शन ट्रक पे एक स्टोन कोल्ड थे और एक जॉन सीना थे। तो काफी रूमर्स ऐसे भी फैलने लगे कि यार WWE ने ये चीज जानबूझ के हमें दिखाई है, क्योंकि जॉन सीना रोमन वर्सेस कोडी के मैच में कोडी की हेल्प करने के लिए आने वाले हैं, जो कि यार बिल्कुल हवा वाली बात नहीं है। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा क्यों हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी सीना ब्लड लाइन के साथ ही इन्वॉल्व थे ना पिछले कुछ टाइम में जब वो एक्टिव थे WWE में, और वो सोलो सिकोवा से हार के गए, तो हां उनकी भी हीटेड चीजें हैं ब्लड लाइन के साथ। और कितना बड़ा पासिंग द टॉर्च मोमेंट हो जाएगा सोचो यार, जहां पे एक पूरी हील फैक्शन है, सारे ऑड्स अगेंस्ट कोडी रोड्स के, और वहीं जॉन सीना आ जाते हैं WWE के पिछले बिगेस्ट बेबी फेस, करंट बिगेस्ट बेबी फेस की हेल्प करने के लिए, करंट बिगेस्ट हील को हराने में। भाई क्या स्टोरी बनेगी, मजे ही मजे। अगर ऐसा हो जाता है मैं तो खुश हो जाऊंगा भाई। बाकी इससे नेक्स्ट सुपरस्टार की तरफ मैं चलता हूं। ऑन नंबर 6 ही इज स्टिंग। अब देखो यार स्टिंग के आने के रूमर्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने AEW में अपना रिटायरमेंट मैच रेसल कर लिया है, और मैं पर्सनली बोलूं तो मुझे तो नहीं लगता कि स्टिंग के चांसेस है WrestleMania 40 में अपीयर होने के। लेकिन अगर वो होते भी हैं तो आप ये मत सोचना कि यार अब वो कोई और मैचेस रेसल करेंगे WWE में। डेफिनेटली वो वापस आ सकते हैं इस कंपनी में, क्योंकि सीधी बात है वो WWE के हॉल ऑफ फेमर भी हैं, काफी बड़े लेजेंड है, उनकी हिस्ट्री भी है ना इस कंपनी के साथ, तो फिर समझ आती है चीज। लेकिन जिस तरह टोनी खान ने स्टिंग को इतना बढ़िया मोमेंट दिया AEW में, एकदम से वो WWE में आ जाएंगे तो थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लगेगा। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि स्टिंग अभी तो नहीं आने वाले, बट हां रूमर्स काफी हैं इनके अराउंड। बाकी इनसे नेक्स्ट सुपरस्टार ऑन नंबर 5 है नन अदर देन द रैटलस्नेक स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। भाई हमारे स्टोन कोल्ड भैया की तो क्या हाइप चल रही है आज के टाइम पे, और कैसे नहीं चलेगी यार, ऑब्वियसली चलेगी, क्योंकि मैंने जो आपको रॉक बीटिंग कोडी के पीछे प्रोडक्शन ट्रक्स वाली बात बताई, उसमें जॉन सीना के साथ साथ स्टोन कोल्ड ही तो थे। तो पहले ही काफी रूमर्स थे कि स्टोन कोल्ड कोडी की हेल्प करने आ सकते हैं रोमन वर्सेस कोडी के मैच में, इसके बाद तो और रूमर्स डबल ही हो गए कि अब तो पक्का ही आने वाले हैं। पर्सनली बोले तो मुझे थोड़ा कम सेंस बनता हुआ दिखता है उनका, क्योंकि उनकी क्या ही स्टोरी है ब्लड लाइन के अगेंस्ट, कुछ भी नहीं। हाँ रॉक के साथ उनकी फ्यूड रही है काफी, लेकिन वो बहुत ही पुराने टाइम की बात है यार। पर्सनली बोलूं तो सीना का ज्यादा सेंस बनता है, करंटली वो
इन्वॉल्व भी थे ब्लडलाइन के साथ, और पिछली बिगेस्ट वेव फेस है ना वो करंटली अगर कोडी की हेल्प करते तो फिर मोमेंट बनेगा। स्टोन कोल्ड अगर आते हैं इस मैच में तो हाँ द रॉक और उनकी कन्फ्रंटेशन में तो मोमेंट बनेगा और कोडी रोड्स की हेल्प करने का कोई सेंस नहीं बनेगा। हाँ वो अलग बात है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई बाद में दिखाया कि भाई कोडी रोड्स ने खुद बुलाया था स्टोन कोल्ड को कि भाई मुझे हेल्प चाहिए होगी, मुझे बैकअप चाहिए होगा, तब जाके स्टोन कोल्ड आए। आप मुझे कमेंट सेक्शन बताना आप कौन से लेजेंड को रोमन वर्सेस कोडी के मैच में देखना चाहते हो, कोडी की तरफ से स्टोन कोल्ड, डस्टिन रोड्स या जॉन सीना। नाउ नेक्स्ट सुपरस्टार नंबर 4 की तरफ मैं चलता हूं जिस पे की है एलेक्सा ब्लिस। देखो हम सबको पता है, अगर आपको नहीं भी पता तो एलेक्सा ब्लिस प्रेग्नेंट थी, अभी उनका बेबी हो गया या हो गई है मुझे नहीं पता, लड़का है या लड़की है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब है इंपॉर्टेंट लेकिन उनके लिए, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि वो कब वापस आने वाली है, और रिसेंटली उन्होंने कुछ तो पोस्ट करके ऐसा बताया था कि उन्होंने वापस से ट्रेनिंग करना शुरू कर दी है, तो हो सकता है कि वो रेसलमेनिया का किसी तरह पार्ट बन जाए। वैसे काइंड ऑफ ये भी पॉसिबल है कि वो रेसलमेनिया 40 के बाद अपना रिटर्न करें, मतलब होती है ना रॉ आफ्टर मेनिया, स्मैकडाउन आफ्टर मेनिया, जिसमें डब्ल्यूडब्ल्यूई काफी सारे बड़े बड़े रिटर्न वैसे ही करवाती है, तो वैसा भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह एलेक्सा ब्लिस ने एकदम से ये अपडेट दी थी, काफी लोग स्पेकुलेट करने लगे कि शायद वो रेसलमेनिया 40 में आने वाली है, देखते हैं क्या होता है भाई। बाकी इससे नेक्स्ट सुपरस्टार ऑन नंबर 3 की तरफ मैं चलता हूं जिस पे की है द फीनॉम द अंडरटेकर। देखो यार करंटली जैसे कि स्टोन कोल्ड के, जैसे कि जॉन सीना के रूमर सामने आ रहे हैं रेसलमेनिया 40 में होने के, एग्जैक्टली द अंडरटेकर के भी काफी सारे रूमर्स है कि वो रेसलमेनिया 40 में अपीयर होने वाले हैं। अब नहीं 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 नहीं, हर कोई कोडी को बचाने नहीं आ रहा है, ठीक है। काफी बार डब्ल्यूडब्ल्यूई सेगमेंट्स भी इस तरह के करवाती है जहां पे काफी लेजेंड्स फीचर्ड होते हैं, ठीक है, तो उसी तरह अंडरटेकर भी फीचर हो सकते हैं प्रोमो सेगमेंट में या फिर किसी और तरह से। अंडरटेकर वैसे भी रेसलमेनिया से बड़े इवेंट्स में बैकस्टेज होते ही होते हैं। मैं तो पर्सनली चाहूंगा वो आए, कुछ ना कुछ प्रोमो वगैरह कट करें या रेसलमेनिया को फील दें, क्योंकि अंडरटेकर यार एक टाइम पे बोलते थे अंडरटेकर ही तो रेसलमेनिया है, रेसलमेनिया है ही अंडरटेकर की वजह से, तो ऑब्वियसली उनका आना बनता है। बाकी इससे नेक्स्ट सुपरस्टार की तरफ मैं चलता हूं जो कि है नन अदर देन बिगी। यार उनकी नेक इंजरी काफी ज्यादा सीरियस थी लेकिन रिसेंट टाइम्स में बैकस्टेज कामों में इन्वॉल्व दिखे, मतलब काफी सारी प्रमोशंस कोलैबोरेशंस जो भी चीज होती है, तो अब लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि यार अगर बिगी अब इन्वॉल्व होने लग गए हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ वापस से, तो हो सकता है वो जल्दी रिंग भी हिट कर लें। और वैसे हमें पता है कि टैग टीम चैंपियनशिप मैच तो होने वाला है रेसलमेनिया 40 में, और उसमें न्यू डे की टीम भी है, तो क्या पता वो कॉफी किंगस्टन या जेवियर वुड्स किसी को तो रिप्लेस कर दें और वो उस मैच का पार्ट बन जाए, भाई अगर ये हो जाता है ना क्रेजी चीज हो जाएगी। ऑल्दो मुझे इस चीज के चांसेस कम लगते हैं क्योंकि उनकी इंजरी सच में बहुत ज्यादा सीरियस थी, थोड़ा कच्चा पक्का सा लग रहा है मुझे उनका। रूमर तो मैंने आपको बता दिया, बाकी लास्ट रूमर नाम है अब ऑन नंबर 1 नन अदर देन द बीस्ट ब्रॉक लेसनर का। इनके बारे में मुझे नहीं लगता आपको कुछ भी बताने की जरूरत है, वो किस तरह के केस में भी इन्वॉल्व है, उनका कितना मुश्किल है आना, क्या वो आएंगे नहीं आएंगे, ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, ठीक है। लेकिन फिर भी रेसलमेनिया जैसा इवेंट है और ब्रॉक तो इसका पार्ट वैसे भी होने वाले थे, तो क्या पता अब भी हो जाए। काफी लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि अभी वो गुंथर के साथ मैच रेसल कर सकते हैं, सैमी को डब्ल्यूडब्ल्यूई हटा सकती है, काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि वो कोडी की हेल्प करने आ सकते हैं रेसलमेनिया नाइट 2 के मेन इवेंट में। और यही थे वो 10 सुपरस्टार जो कि करंट टाइम में मोस्ट प्रोबेबली रेसलमेनिया 40 में आ सकते हैं रूमर्स के अकॉर्डिंग। बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है जिसमें कि मैंने रेसलमेनिया 40 की नाइट 1 के मेन इवेंट द रॉक एंड रोमन वर्सेस कोडी एंड सेथ की मैच एंडिंग्स बताई थी कि किस तरह ये मैच खत्म हो सकता है, क्या क्या कूल चीजें हमें देखने को मिल सकती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये रही आपके सामने, जल्दी क्लिक करो और देख लो। बाकी मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।